कैरमल पुडिंग आपने तो खाए होंगे, लेकिन लेमन पुडिंग आपने कभी खाए है क्या? अगर नहीं तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। और ये जो लेमन पुडिंग है ना, ये बहुत ही ज्यादा यम्मी एंड डेलीशियस भी बनता है, और इसे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बहुत ही कम चीजों से आप ये रेसिपी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून शुगर डाल दूंगी और उसी के साथ मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर रही हूँ। और इस स्टेज पर मैंने फ्लेम को लो पर ही रखा है, हाई बिल्कुल भी मत कीजिए, नहीं तो ये जो कैरमल है वो जल भी सकता है। और ये जो डेजर्ट है ना, ये आपको समर में बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि ये जो डेजर्ट है ये स्पेशली समर के लिए ही बनी है। और ये जो कैरमल है, ये आपको बनाने में 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा करके ये कैरमल बन रहा है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप ये ऐड करोगे ना तो देखने में और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो अगर आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो अगर आप ये रेसिपी घर पर बना रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और मैं हर एक वीडियोस में कोशिश करती हूँ आपके साथ कुछ यूनिक रेसिपीज, यूनिक केक का रेसिपी, डेकोरेशन शेयर करने की। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना। तो यहाँ पर मेरा जो कैरमल है ये बिल्कुल रेडी है, इससे ज़्यादा पकाना नहीं है। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ऑयल की मदद से थोड़ा ग्रीस कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक टिफ़िन बॉक्स लिया है और ये आपको ईजिली आपके किचन पर मिल जाएगा, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें 2 अंडा डाल दूंगी और उसी के साथ लेमन जूस 2 टीस्पून डाल दूंगी। अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो आप ज़रूर ऐड करना, मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया है। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है 3 टेबलस्पून शुगर, और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक ये जो शुगर है ये मेल्ट ना हो जाए। और इस शुगर को मेल्ट होने में 7 से 8 मिनट तक टाइम लग ही जाएगा। तो नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉइल्ड मिल्क 1 कप, और ये मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसी स्टेज पर मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो यहाँ पर मैं पोर कर लूँगी। और उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छन्नी लिया है ताकि कुछ भी लम्स वगैरह ना रहे, तभी जो आपका पुडिंग बनेगा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड क्रीमी बनेगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर ढक्कन लगा दूंगी। तो दूसरी तरफ ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था और इसको हम स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो चुका है, तो एक बार चेक कर लूँगी कि ये पुडिंग अच्छे से सेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक टूथपिक की मदद से एक बार चेक कर लूँगी, तो यहाँ पर जो पुडिंग है वो बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो इस पुडिंग को मैंने फ्रिज में रख दिया था 3 घंटे तक, ताकि ये जो पुडिंग है ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर 3 घंटा हो चुका है, तो मैं इसको डिमोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लुक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आया है, बहुत ही ज़्यादा डेलीशियस लग रहा है देखने में ही। तो इस पुडिंग को गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पर लेमन स्लाइस लिया है, और अभी कट करने की बारी है। देख लेते हैं कि अंदर का जो टेक्सचर है वो कैसा आया है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनी है। तो अगर आप ये रेसिपी घर पर ट्राई करते हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।